नमस्कार दोस्तों, श्री नीटिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज ये टू कलर का पैटर्न बनाएंगे हम। बहुत ही सुंदर है और बहुत ही इजी है बनाना। इस वाले पैटर्न को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों के कपड़ों में, कार्डिगन में, जर्सी में, स्वेटर में, किसी में बना सकते हैं और किसी भी टू कलर का कॉम्बिनेशन करके बना सकते हैं। तो आइए मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताती हूँ ये हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए हमें इसमें फंदे डालने हैं 8 के मल्टीप्लाई और 7 फंदे एक्स्ट्रा। या फिर आप ऐसा कर ले, जैसे 8 के मल्टीप्लाई डाल लेंगे तो एक फंदा कम कर ले, तो ये पूरा पैटर्न आपका एडजस्ट हो जाएगा। और 12 रो का पैटर्न है ये, यहाँ से यहाँ तक। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं बनाने की। तो यहाँ देखिए, मैंने इसमें फंदे डाल लिए हैं 23। 8 के मल्टीप्लाई 24 थे और एक फंदा मैंने कम कर लिया। तो यहाँ फर्स्ट रो हम सीधी सीधी बनाएंगे बेस कलर से ही, जो हमारा बेस कलर है उससे ही पूरे सभी फंदे हम सीधे बना लेंगे। ये देखिए फंदे बन गए हैं, पूरी रो बन गई मतलब सीधी सीधी। अब सेकंड रो है हमारी, ये पूरी रो हम उल्टी बना लेंगे। सभी फंदे उल्टे बुन के पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये सेकंड रो भी हमारी कंप्लीट होगी। अब थर्ड रो, राइट साइड। थर्ड रो में हम सेकंड कलर अटैच करेंगे, जो भी आपका सेकंड कलर है वो अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट फंदा हम एज स्टिच बनाएंगे सेकंड कलर से ही, जो हमने सेकंड कलर लगाया है उससे फर्स्ट फंदा एज स्टिच हो गया। अब 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। ये देखिए, तो एक फंदा हमारा एज स्टिच हो गया और 5 फंदे ही है पैटर्न के, तो यहाँ टोटल हमारे 6 फंदे हो गए। अब एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे और एक फंदा स्लिप करेंगे, तो यहाँ टोटल 8 फंदे हो गए। ये एक फंदा तो एज स्टिच, इसको छोड़ देंगे, तो ये 8 फंदे, 5 बनाए हैं, एक स्लिप किया, एक बनाया, एक स्लिप किया, तो टोटल 8 फंदे। यही हमें पूरी रो में रिपीट करने हैं। तो फिर से ऐसे ही करेंगे, 5 फंदे बना लेंगे। एक फंदा स्लिप, एक बनाया और एक स्लिप। तो यहाँ देखिए ऐसे ही लास्ट में फिर ये हमारे 6 फंदे बच गए। तो स्टार्टिंग में भी 6 आ जाएंगे और लास्ट में भी, तो इनको हम सीधा ही बना लेंगे। तो ये पूरी रो हमारी कंप्लीट होगी, थर्ड रो। अब फोर्थ रो, रोंग साइड। फोर्थ रो में जो फंदे हमने अभी बनाए हैं वो बनाने हैं और जो स्लिप किए हुए फंदे वो स्लिप कर लेंगे। बनाए हुए फंदे हमें सीधे ही बनाने हैं, इधर से भी, रॉन्ग साइड से भी। ये जो ग्रीन वाले बनाए मैंने, सीधे ही बनाऊंगी इनको। तो यहाँ बना लिए हैं। अब धागा अपनी साइड करेंगे और जो स्लिप किया हुआ फंदा वो उतार लिया, फिर धागा पीछे करेंगे, बनाया हुआ फंदा बना लेंगे, धागा अपनी साइड करके स्लिप किया हुआ स्लिप कर लेंगे। रॉन्ग साइड से जब भी हम स्लिप करेंगे, धागा अपनी साइड करके ही हमें स्लिप करना है। तो इसी तरीके से ये फोर्थ रो कंप्लीट कर लेंगे पूरी। ये फोर्थ रो हमारी कंप्लीट होगी। अब फिफ्थ रो, राइट साइड। फिफ्थ रो में भी जो फंदे बनाए हैं वो बनाने हैं सीधे और जो स्लिप किए हैं वो स्लिप कर लेंगे, सेम उसी कलर से जिस कलर का फंदा है। तो अब देखिए ये फिफ्थ रो कंप्लीट होगी। अब सिक्स्थ रो, रॉन्ग साइड। इसको जो फंदे हमने बनाए हैं वो ही बना लेंगे और जो स्लिप किए वो स्लिप कर लेंगे।
यहाँ सिक्स रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब है सेवंथ रो। सेवंथ रो हम जो हमारा ये फर्स्ट कलर है इससे बनाएंगे सीधी, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड रो बनाई थी ना सीधी और उल्टी, सेवंथ और एट्थ रो हमें इसी तरीके से सीधी और उल्टी पूरी बनानी है। ये देखिए सेवंथ रो कंप्लीट होगी। अब एट्थ रो भी पूरी उल्टी बुना बुन के कंप्लीट कर लेंगे। एट रो हमारी कंप्लीट होगी। अब नाइन्थ रो राइट साइड, या फिर जो सेकंड कलर है वो यूज करेंगे हम, जो नाइन्थ रो है सेकंड कलर से बनाएंगे। तो देखिए जैसे हमने ये थर्ड रो बनाई थी बनाएंगे तो इसी तरीके से यहाँ हमें फंदे चेंज करने हैं, ये डिजाइन हमारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कैसे करेंगे, स्टार्टिंग में दो फंदे हम बनाएंगे सेकंड कलर से, एक और एक दो। अब एक फंदा स्लिप करेंगे, एक बनाएंगे और एक फंदा स्लिप करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने दो बना लिए, इनको छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम पैटर्न बनाएंगे। देखिए अब पांच फंदे हम फिर ऐसे ही बनाएंगे, एक दो तीन चार और एक पांच। तो ये टोटल हमारे आठ फंदे हो गए। दो फंदे हमने स्टार्टिंग में बनाए, ये पैटर्न में नहीं है, अलग है मतलब। तो तीन ये हो गए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ फंदे ये हमें पूरे रिपीट करने हैं पूरी रो में ऐसे ही। तो यहाँ फिर ऐसे ही करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, एक बनाएंगे, नहीं अब एक स्लिप किया, पांच बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच। अब एक फंदा स्लिप किया, एक बना लिया, एक स्लिप किया। अब लास्ट में देखिए जैसे स्टार्टिंग में दो बनाए थे, लास्ट में भी हमारे दो बच गए, तो ये दो फंदे हमारे बन जाएंगे। तो ये देखिए अब जो हमारा पैटर्न आएगा, जो ये पहले दो डब्बी थी तो इनके बीच में बनेगी अब जो दोबारा बनेगी डब्बी, तो ये चेंज हो गया। बनाने का तरीका वही रहेगा, थोड़े हमें बस फंदों का ध्यान देना। अब है ये टेंथ रो, जो फंदे जिस कलर के हैं उसको उसी कलर से बना लेंगे, मतलब कि बनाए हुए फंदे बना लेंगे और जो स्लिप किए हुए वो स्लिप करेंगे। ये बना लिए धागा अपनी साइड, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप, फिर धागा पीछे करके एक फंदा ये बना लेंगे, फिर धागा अपनी साइड करके स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। तो पूरी रो ये टेंथ रो हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए टेंथ रो हमारी कंप्लीट होगी। अब अलेवेंथ रो, अलेवेंथ भी सेम ऐसे ही बनाएंगे, जो बनाए हुए फंदे वो बना लेंगे और जो स्लिप किए वो स्लिप कर लेंगे। ये अलेवेंथ रो कंप्लीट होगी। अब ट्वेल्थ रो, ये लास्ट रो है इस पैटर्न की, इसको भी सेम ऐसे ही बना लेंगे, बनाए हुए फंदे बना लेंगे और स्लिप किए हुए फंदे स्लिप कर लेंगे।
ये देखिए 12 रो हमारी कंप्लीट हो गई और ये पूरा पैटर्न बन के आ गया है। बस अब सेम ऐसे ही जैसे फर्स्ट रो से हमने स्टार्ट किया था वही हमें रिपीट करनी है पूरी 12 रो, तो ये पूरा प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा और बहुत ही सुंदर लगता है। इस वाले पैटर्न को आप एक बार जरूर ट्राई करना, देखिए जैसे हम बड़ा करते जाएंगे तो सेम ऐसे आ जाएगा, देखिए कितना सुंदर लग रहा। तो फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरी ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।